अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इससे पहले हमने सिंगली लिंक्ड लिस्ट पढ़ी थी, आज हम पढ़ रहे हैं डबली लिंक्ड लिस्ट। लैब सेशन 6 है जहाँ पे सिंगली एंड डबली डबल एंडेड एंड सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले ही बात करते हैं कि डबली लिंक्ड लिस्ट क्या होती है। तो स्टूडेंट्स डबली लिंक्ड लिस्ट बेसिकली क्या होती है, अगर मैं एक सिंगल नोड की बात करूं तो आपके पास डबली लिंक्ड लिस्ट की जो सिंगल नोड है कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास रेफरेंस होता है, सबसे पहले बीच या सेंटर में आपके पास डेटा होता है और एंड में आपके पास फिर लिंक होता है। जो लिंक वन होता है उसके अंदर प्रीवियस नोड का एड्रेस होता है जो कि पॉइंट करती है प्रीवियस नोड को, और जो लिंक टू होता है वो आपके पास पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड को। यानी आपके पास जो लिंक टू के अंदर जो एड्रेस होता है वो आपके पास एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का, कुछ इस तरह से आपके पास नजर आती है लिंक लिस्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं बात कर रही थी कि आपके पास डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। अ डबली लिंक लिस्ट इज अ लिंक लिस्ट इन विच एवरी नोड हैज अ नेक्स्ट पॉइंटर एंड अ बैक पॉइंटर। बेसिकली अगर मैं एक लंबी एक कंप्लीट लिंक लिस्ट की बात करूँ, एक डेटा एलिमेंट्स की बात करूँ, तो कुछ इस तरह से आपके पास होते हैं कि आपके पास डबल पॉइंटर्स होते हैं, यानी कि एक पॉइंटर आपके पास नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होता है और दूसरा पॉइंटर आपके पास प्रीवियस को पॉइंट कर रहा होता है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ हैज अ नेक्स्ट पॉइंटर एंड अ बैक पॉइंटर। नेक्स्ट पॉइंटर आपके पास ये है, मैं एक एनोटेशन यहाँ से ले लेती हूँ। ओके ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास नेक्स्ट पॉइंटर है और ये आपके पास बैक पॉइंटर है। आगे क्या कहता है, एवरी नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। हर नोड के पास आपके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है एक्सेप्ट द लास्ट नोड, सिवाय आपके पास लास्ट नोड में। डबली लिंक लिस्ट में होता क्या, आपके पास फर्स्ट आपके पास जो नोड होती है उसका जो लिंक वन जो रेफरेंस पॉइंट होता है आपके पास वो नल होता है, और लास्ट आपके पास जो नोड होती है उसी के अंदर आपके पास जो एरे एलिमेंट्स के अंदर लास्ट आपके पास जो नोड होती है उसका जो लिंक टू यानी कि उसका जो रेफरेंस पार्ट होता है लिंक टू का वो आपके पास नल होता है। इसी तरह से आगे बढ़े तो कहता है एंड एवरी नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड एक्सेप्ट द फर्स्ट नोड। अ डबली लिंक्ड लिस्ट कैन बी ट्रैवर्स्ड इन आइदर डायरेक्शन। आप जो है ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं डबली लिंक लिस्ट की किसी भी डायरेक्शन में, आप उसको फॉरवर्ड भी आप ट्रैवर्स कर सकते हैं और बैकवर्ड, क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल होती है। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं कि थ्योरी क्या कहती है। ओके सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर मौजूद है इंसर्शन। अगर मैं इंसर्शन की बात करूँ, अच्छा डबली लिंक लिस्ट आपके पास दो तरह से काम करती है, एक होता है डबल एंडेड सिंगली लिस्ट लिंक लिस्ट, दूसरा है आपका डबल एंडेड डबली लिंक लिस्ट। सबसे पहले मेरे पास इंसर्शन है, तो इंसर्शन आप तीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन एट बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, इंसर्शन एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट एंड ऑफ द लिस्ट, और इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन इन द लिस्ट। सबसे पहले इंसर्शन की बात करते हैं कि इंसर्शन आप अगर फर्स्ट पे करना चाहें तो कैसे होगी। इंसर्ट अगर आपको कोई वैल्यू करनी है तो आपके पास प्री क्या है, वैल्यू इज द वैल्यू टू ऐड टू द लिस्ट, और पोस्ट आपके पास क्या होगा कि वैल्यू आपके पास एंड और एंड ऑफ द लिस्ट इंसर्ट हो चुकी होगी, वैल्यू हैज बीन प्लेस एट द टेल और टेल ऑफ द लिस्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, जो ऐसी नोड जिसे आप एंटर करना चाहते हैं, जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो पॉइंट करेगी टेम्प को। कहता ये है इफ हेड इक्वल्स टू नल, अगर हेड नल है इसका मतलब है मेरे पास लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। तो कहते हैं टेम्प आपके पास पॉइंट करने लगेगा हेड को, और टेम्प ही आपके पास पॉइंट करने लगेगा टेल को, यानी कि लिस्ट के अंदर सिर्फ वही एक एलिमेंट है जो आपने इंसर्ट किया है और यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास क्या कहता है, अगर एलिमेंट्स मौजूद है तो टेम आपके पास पॉइंट करने रहेगा टेल के नेक्स्ट को। अगर ये फॉर एग्जांपल इस वक्त टेल है तो टेल का जो नेक्स्ट होगा इसके अंदर एड्रेस आ जाएगा टेम का एड्रेस हो जाएगा आ जाएगा, तो ये उससे कनेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक टेम्प है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो चीजें ली, एक मैंने इसका एड्रेस पॉइंट लिया और दूसरा मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली, और ये मेरे पास वैल्यू पॉइंटर हो गया।
ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया। अब होगा क्या है स्टूडेंट, जब ये टेम्प इसको पॉइंट करेगा तो यहाँ पे इस जगह पे जो एड्रेस होगा वो लास्ट नोड का होगा। यानी कि मैंने अगर आपसे कहा कि प्रीवियस नोड का एड्रेस यहाँ पर होगा, अगर आपके पास प्रीवियस नोड का एड्रेस फॉर एग्जाम्पल 10 है तो 10 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई वैल्यू थी तो वो वैल्यू 25 अगर मुझे इंसर्ट करनी थी तो वो इंसर्ट हो जाएगी, और यहाँ आपके पास नल होगा, ये मैं कैपिटल कर देती हूँ, यहाँ आपके पास नल हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपके पास होगा। ये आपके पास बेसिकली है टेम्प। तो कहता ही है अगर आपके पास हेड नल है यानी कि कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है पॉइंट, तो टेम्प आपके पास पॉइंट करने लगा हेड को और टेम्प ही पॉइंट करने लगा टेल को। अदरवाइज आपके पास क्या होगा, टेल का जो नेक्स्ट है आपके पास वो क्या है बेसिकली यहाँ पे, वो लास्ट वाला आपके पास लास्ट वाली नोड है टेम्प, आपके पास इसको पॉइंट करने लगेगा, और आपके पास क्या होगा टेम्प का जो नेक्स्ट है यानी टेम्प का नेक्स्ट आपके पास ये है, यहाँ पे आपके पास इसका एड्रेस, इसका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा, और लास्ट वाला आपके पास नल हो जाएगा, टेम्प आपके पास पॉइंट करने लगेगा टेल को। कुछ इस तरह से काम करता है आपके पास डबल एंडेड सिंगली लिंक्ड लिस्ट का इंसर्ट एल्गोरिथम। उसके बाद है आपके पास इसका सर्च एल्गोरिथम। सर्च एल्गोरिथम कैसे काम करता है, सर्च एल्गोरिथम कुछ इस तरह से काम करता है कि सबसे पहले आपके पास वैल्यू होनी चाहिए कोई भी सर्च करने के लिए, उसके बाद उसका पोस्ट क्या होगा, अगर वैल्यू मिल जाती है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सबसे पहले आपके पास लूप स्टार्ट होगा, जैसे ही आपके पास लूप स्टार्ट होगा तो आपके पास हेड आपके पास पॉइंट कर रहा होगा करंट को। अगर हेड आपके पास पॉइंट कर रहा है करंट को यानी कि ये आपके पास करंट है, इस वक्त हेड आपके पास यहाँ मौजूद है जो कि करंट को पॉइंट कर रहा है, करंट आपके पास ये फर्स्ट नोड होगी। तो कहता है कि अगर आप हेड करंट को पॉइंट कर रहा है तो आप क्या करें, लूप उस वक्त तक चलाएं जब तक करंट जो है वो नॉट इक्वल टू नल रहे। नॉट इक्वल टू नल का मतलब है एंड तक चले, और दूसरी चीज आपके पास कंडीशन क्या है कि उस वक्त तक लूप चले जब तक करंट यानी जो आपके पास जहाँ पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा उसकी जो उसके अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो आपकी सर्च वैल्यू के बराबर ना हो जाए, बराबर हो जाए। यानी कि लूप उस वक्त फॉल्स होगा, उस सूरत में फॉल्स होगा जब आपके पास या तो ऐसा होगा कि वो इक्वल टू नल, इक्वल टू नल का मतलब हुआ एंड तक चला जाए। दूसरे सूरत में कंडीशन जब कब आपके पास लूप एंड होगा, जब आपके पास इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी। अगर आपके पास ये दोनों कंडीशन हो जाती हैं तो आपके पास लूप फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होने के बाद आपके पास एंड ऑफ द लूप बना जाएगा। कहता है अगर नल है यानी नल है, अगर कंडीशन इस सूरत में फॉल्स हुई है कि अगर वो इक्वल टू नल हो गया, इसका मतलब है उसने तमाम नोड्स को रीड किया और उसको वैल्यू कहीं भी नहीं मिली, एंड नल हो गया तो इसका मतलब है रिटर्न कर दो फॉल्स। अदरवाइज अगर इस सूरत में फॉल्स हुआ है कि उसके अंदर जो वैल्यू है वो आपके पास उस वैल्यू के बराबर है जो सर्च कर रहा था, वैल्यू जो वैल्यू सर्च करने के लिए गया था, तो आप उसको रिटर्न कर दें ट्रू। तो ये सब बात हो गई स्टूडेंट सर्च की और इंसर्ट की। इसके बाद हम बात करेंगे डिलीट की। ओके, इसके बाद बात करेंगे डिलीट की। तो डिलीट की बात कर लेते हैं, डिलीट वैल्यू किस तरह से होगी। सबसे पहले आपके पास क्या है, वैल्यू इज द वैल्यू टू बी डिलीटेड फ्रॉम लिस्ट, ये है प्री, और पोस्ट क्या है, वैल्यू इज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ट्रू, अदरवाइज आपके पास क्या हो जाएगा फॉल्स। सबसे पहले ही कहता है कि अगर हेड नल है, हेड नल है का मतलब ये हुआ कि आपके पास लिस्ट मौजूद नहीं है, तो आपके पास रिटर्न कर दो फॉल्स। अदरवाइज आपके पास क्या करो कि हेड आपके पास पॉइंट कर रहा होगा करंट को, अगर हेड पॉइंट कर रहा है करंट को तो इफ की एक कंडीशन मार्क करेगा करंट के अंदर जो वैल्यू है, अगर आपकी वो वैल्यू उसके बराबर है जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं है, तो फिर अंदर आए और चेक करें क्या हेड आपके पास टेल यानी कि एलिमेंट एक ही मौजूद है, एलिमेंट ने आपके पास लिस्ट के अंदर जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं क्या वो एक ही है। एक ही की सूरत में होगा कैसे पता चलेगा, अगर हेड और टेल एक ही यानी हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर अगर एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब है लिस्ट में एक ही वैल्यू एक ही नोड मौजूद है। तो क्या करो नल पॉइंट करने लगे हेड को और नल ही आपके पास असाइन कर दो टेल के अंदर। यानी नल जब असाइन हो जाएगा हेड में और नल असाइन होगा टेल में, तो आपके पास यहाँ पे आपके पास एक लूप आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी। भाई अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है यानी आपके पास जो सर्चिंग जो डिलीट करने वैल्यू जा रहे हैं वो अगर उस वैल्यू के बराबर हो जाती है करंट के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है, तो आपके पास हेड और टेल चेक करेगा और हेड और टेल दोनों एक ही होंगे तो वो नल असाइन कर देगा। यानी कि कंडीशन आपके पास यहाँ पे
ट्रू हो गई, और जब उसने नल्ला साइन कर दिया इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास उसमें से वैल्यू रिमूव हो गई, इसलिए हमने नल्ला साइन कर दिया। दूसरी सूरत में क्या होगा, अगर ऐसा नहीं है यानी आपके पास मजीद उसके अंदर वैल्यूज मौजूद हैं, हेड टेल के बराबर नहीं है, तो फिर क्या करो, आपके पास हेड का जो नेक्स्ट है हेड उसको पॉइंट करने लगेगा, यानी कि करंट आपके पास आगे मूव हो जाएगा। उस सूरत में आपके पास क्या होगा, जब आपके पास मूव हो जाएगा, अच्छा ये जो एंड है एल्स, एंड एल्स है ये इसका है, और जो ये रिटर्न ट्रू होगा वो उस सूरत में होगा अगर आपके पास ये कंडीशन एंड इफ हेड इक्वल टू टेल होगी और नल असाइन हो जाएगा तो एल्स नहीं चलेगा, लिहाजा रिटर्न ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो नल असाइन हो जाएगा, इट मीन्स आप पर रिटर्न ट्रू हो जाएगा, यानी वहां पे वो वैल्यू करंट पोजीशन पे वो वैल्यू मौजूद थी जिसे आप डिलीट करना चाह रहे थे वो डिलीट हो जाएगी और हेड के अंदर नल असाइन हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा ट्रू, अदरवाइज आपके पास पॉइंटर नेक्स्ट को पॉइंट करने लगेगा। जब आपके पास हेड के नेक्स्ट को हेड पॉइंट करने लगेगा तो आपके पास क्या होगा, वैल्यू आगे चली जाएगी, उसको चेक करेगी, अगर हेड के जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर वो वैल्यू मौजूद है जो आप सर्च करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में भी आपके पास क्या होगा, अगर वो वैल्यू उसको मिल जाती है तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, यानी कि जब इससे बाहर आएगा, यानी अगर एल्स, अगर इफ इस सूरत में टेल के बराबर है तो भी नल असाइन हो जाएगा, और अगर हेड टेल के बराबर नहीं है, नेक्स्ट कोई वैल्यू है तो आपके पास क्या होगा, हेड पॉइंट करने लगेगा हेड के नेक्स्ट को, यानी कि नल आपके पास इनिशियल में अगर वैल्यू उसको मिल गई तो हेड आपके पास नल हो जाएगा और हेड के नेक्स्ट को और हेड पॉइंट करने लगेगा। दूसरी सूरत में आपके पास क्या होगा, अगर लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं तो आपके पास उस वक्त तक लूप चलेगा जब तक आपके पास करंट का नेक्स्ट इक्वल इक्वल टू नल ना हो जाए, यानी कि आपके पास जब तक की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी उस वक्त तक चलता रहेगा। कंडीशन ट्रू किस सूरत में होगी, अगर करंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास करंट इस वक्त अगर ये है, करंट का जो नेक्स्ट है वो ये है और वो इज नॉट इक्वल टू नल है, इसका मतलब है ये चलता रहेगा लूप, उस वक्त तक चलेगा जब तक आपके पास कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब करंट का नेक्स्ट आपके पास नल हो गया। अगर इस सूरत में कंडीशन, इस सूरत में अगर ये फॉल्स होता है तो नीचे आएगा और कहेगा अगर करंट का जो नेक्स्ट है वो इक्वल इक्वल टू नल हुआ था तो क्या करो, आपके पास सिंपली क्या होगा, इसके अंदर नहीं जाएगा बल्कि आपके पास एंड इफ हो जाएगा और एल्स में चला जाएगा और एल्स में आपके पास रिटर्न कर देगा उसको क्या चीज, फॉल्स, अदरवाइज आपके पास क्या होगा, ये इसका इफ है अंदर नहीं आएगा चेक करने के लिए बल्कि आपके पास रिटर्न सिंपली क्या हो जाएगा, फॉल्स डायरेक्टली, क्योंकि आपके पास वहां पे उसको वैल्यू नहीं मिली। इक्वल टू नल का मतलब ये हुआ पूरी लिस्ट उसने ट्रेवर्स की, पूरी लिस्ट उसने चेक की लेकिन उसको वैल्यू मौजूद नहीं थी जो डिलीट करनी थी। दूसरी सूरत कहता है करंट का जो नेक्स्ट है उसके अंदर जो वैल्यू मौजूद है, अगर करंट आपके पास ये है तो करंट का नेक्स्ट आपके पास जो है अगर उसमें वैल्यू मौजूद है, यानी कि इक्वल इक्वल टू, अगर करंट के नेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू मौजूद है अगर वो इक्वल इक्वल टू उस वैल्यू के हो जाए या जिसको मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो उस सूरत में कंडीशन हो जाएगी आपके पास फॉल्स। जैसे आपके पास कंडीशन फॉल्स होगी तो ये अंदर आ जाएगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप से प्रोसीड, लूप के अंदर जो भी आपके पास कंडीशन लिखी है उसमें नहीं जाएगा बल्कि बाहर आ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल उसको वैल्यू मिल जाती है तो मिल जाती है तो वो यहाँ आएगा तो चेक करेगा, पहली कंडीशन चेक करेगा इफ करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू, फॉर एग्जांपल वो 35 सर्च कर रहा था तो 35 उसको मिल गया, 35 चेक करेगा तो क्या करंट का नेक्स्ट करंट के था, करंट का जो नेक्स्ट है डेफिनेटली वो नॉट इक्वल टू नल है, नॉट इक्वल टू नल है तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, अंदर आ जाएगा। करंट का नेक्स्ट कहता है क्या इक्वल टू टेल है, बिल्कुल जनाब करंट का जो नेक्स्ट है वो टेल है, इसका मतलब है करंट के नेक्स्ट टेल है तो क्या करो करंट को जो है पॉइंट करने लगे टेल, यानी आपके पास बेसिकली क्या होगा, मुझे ये वाला डिलीट करना है, अगर मुझे ये वाला डिलीट करना है तो क्या करूंगी मैं, करंट का जो नेक्स्ट है अगर वो इक्वल टू टेल है, यानी कि करंट का जो नेक्स्ट है अगर वो इक्वल टू टेल है, यानी कि करंट का जो नेक्स्ट है वो इक्वल टू टेल, इसका मतलब है ये, हाँ जी बिल्कुल टेल है, तो करंट आपके पास क्या करे पॉइंट करने लगे टेल को, यानी इसका एड्रेस आपके पास इसके पास चला जाएगा, और फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस अगर था यहाँ पे जो एड्रेस रखा हुआ था वो इसका एड्रेस होगा, इसका एड्रेस उठ के
इसके पास चला जाएगा। जब इसका एड्रेस यहाँ से, यानी मैं यहाँ से एक मार्क लगा देती हूँ, बेसिकली क्या होगा कि इसका एड्रेस, यहाँ वाले का एड्रेस इसके पास चला जाएगा। यहाँ पे जो एड्रेस रखा होगा वो इसके पास चला जाएगा। बेसिकली क्या होगा, इस यहाँ पे जो एड्रेस रखा होगा वो एड्रेस किसका होगा, प्रीवियस नोड का, वो एड्रेस यहाँ पे चला जाएगा और ये बीच में से आपके पास वैल्यू रिमूव हो जाएगी आएगी। दूसरी सूरत में कहता है अगर ऐसा है तो आप इस तरह से करें कि करंट जो है पॉइंट करने लगे आपके पास टेल को, यानी वो एड्रेस यहाँ पर आ जाए। दूसरी सूरत में अगर ऐसा नहीं है तो क्या करे, करंट का जो नेक्स्ट है उसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करने लगे आपके पास करंट के नेक्स्ट को। अगर ऐसा है करंट का जो नेक्स्ट है उसके नेक्स्ट को अगर पॉइंट करने लगेगा करंट का नेक्स्ट है, तो अगर इस तरह से आपके पास कुछ इस तरह से कंडीशन है तो इस सूरत में जब ये ट्रू होगी कंडीशन तो यहाँ पे आपके पास रिटर्न हो जाएगा ट्रू, यानी कि वैल्यू उसको वहां से डिलीट हो गई, यानी 35 डिलीट हो गया और कंडीशन हो गई ट्रू। अदरवाइज अगर इस तरह से नहीं है तो यहाँ से एंड इफ का एंड हो जाएगा और इफ का जो कंडीशन है वो आपके पास एंड हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। कुछ इस तरह से आपके पास काम करता है डिलीट वैल्यू। यानी अगर मैं बात करूँ कि डबली लिंक्ड लिस्ट की, तो डबल डबली एंड डबल एंडेड सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कुछ इस तरह से होती है सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन। इसके बाद प्रोसीड करूंगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अभी हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।